हेलो एवरीवन दोस्तों, और आज वेनसडे है और कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम ऑन पैसिव 360 की, तो बिल्कुल आज ऑन पैसिव 360 अगर होता है तो उसमें अपडेट्स आ सकती है। मिस्टर ऐश मुफारे सर जो लास्ट वेनसडे को आए थे और कुछ अपडेट्स उन्होंने शेयर की थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें मिला था और उसमें विड्रॉल की प्रोसेस के बारे में बताया गया था और कार्ड्स पेमेंट के थ्रू बताया गया था कि कार्ड्स पेमेंट पहले से बेहतर होंगे, तो कुछ हद तक वो हुए भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं विड्रॉल जो है अभी तक आया नहीं है। कई लोगों का काफ़ी टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि आज ऑन पैसिव 360 में और भी कुछ बेहतर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे हमें विड्रॉल्स के रिगार्डिंग खासकर जो है जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि विड्रॉल का इंतज़ार सबसे ज्यादा भी इंतजार कोई अगर कर रहे हैं सारे फाउंडिंग मेंबर भाई, तो हम लोग उस सब को देखने के लिए भाई हो सकता है आज ऑन पैसिव 360 में कुछ और भी बढ़िया अपडेट आ जाए और हमें ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स और देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल ऑन पैसिव 360 अगर आज होता है तो उसके जरूर आप देखिएगा, लिंक जो है बैक ऑफिस में हमें देखने को मिल सकता है ओ फाउंडर्स में, तो देखते रहिएगा, अपने बैक ऑफिस को चेक करते रहिए। दूसरी बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि कई बार अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि जब हम जो है हमारे डायरेक्ट बंदा, अगर कोई आपका डायरेक्ट बंदा पैकेज बाय करता है तो पैकेज बाय करने का कई बार उन्हें जो है मेल नहीं आता है, मतलब जैसे ही आपका कोई डायरेक्ट बंदा अगर जो है पैकेज बाय करता है तो आपको एक ईमेल आपको कहीं ना कहीं मिलता है, आप ईमेल में चेक करेंगे कि भाई आपका ये फलाने बंदे ने जो है एक्टिवेट किया है, तो वो ईमेल आपको कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन किसी कंडीशन में आपको ईमेल नहीं मिलता है तो आपको मैं बताऊं एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन कि आप ओमेल में जाकर के जरूर आप चेक कीजिए, क्योंकि मैंने पर्सनली ये नोट डाउन किया है कि कई बार जब ईमेल नहीं मिलता लेकिन ओमेल में हमें जो है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो अगर ईमेल नहीं आता है या लेट हो जाता है तो आप बिल्कुल ओमेल में जाकर के जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही जाएंगे ओईएस में और वहां पे ओमेल में टिक करेंगे तो इनबॉक्स में आप देखेंगे कि वो ओमेल आपका पड़ा होगा, तो आप वहां भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से हो सकता है फ्यूचर में ये भी हो जाए कि कहीं ना कहीं जो जीमेल वगैरह में या कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हम कहीं ना कहीं पासवर्ड भूल गए हैं बहुत से लोग, तो मे बी चांसेस है फ्यूचर में हो सकता है कि सारे जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह जो है ओमेल के थ्रू हो जाए, लेकिन ये मीटिंग्स में काफी बार बताया गया है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ओमेल के थ्रू ही मैक्सिमम जो है हमें चीजें देखने को मिल जाए और शायद पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि शायद जीमेल की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन अभी फिलहाल में तो जीमेल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है, कभी 3-4 लोगों ने भी पूछा है और भी पहले भी इसे पूछा गया था, लेकिन मैं फिर भी इसे क्लियर कर दूं, हालांकि इसमें क्लियर किया है लेकिन फिर भी क्लियर कर दूं कि कई लोग ऐसे हैं जैसे हम डायरेक्ट सेल का 100% है, सेकंड सेल का 25% है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था लोगों का कि यहाँ पर जैसे आपका जो डायरेक्ट बंदा है और डायरेक्ट के भी जो डायरेक्ट बंदे हैं, तो जो डायरेक्ट बंदे हैं उनका भी कुछ हमें क्या यहाँ पर कमीशंस या पे आउट मिलेगा, तो इस बारे में कुछ बताइए। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा कि कंपनी ने अभी जो है फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का यहाँ पर बताया, लेकिन अभी इस बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है कि आपको आपकी टीम्स के रिगार्डिंग क्या कमीशंस वगैरह मिल सकते हैं, इसमें आपको क्या बोनस मिलेगा, तो टीम से टीम का क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए ये जो है ऑन पैसिव अलग ही सिस्टम लेकर के आया, इसका पे स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और इसमें जो है अगर हम गैस करें कि भाई इसका ये क्योंकि हमने शायद पहले सोचा नहीं था कि हमें जहां तक पहले बताया जाता था कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और ऑन पैसिव में, जैसे फर्स्ट सेल का 100% सेकंड सेल का 25% और ही बेहतर हुआ, तो पे भी चांसेस यहां पर यही बनते हैं कि आपको यहां पर जो है टीम से टीम का बेनिफिट आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बात आपकी टीम के टीम की नहीं बल्कि यहां पर जो यूजर्स की भी है, तो काफी सारे यूजर्स भी जो आएंगे उसका भी हमें यहां पर बेनिफिट मिलने वाला, लेकिन इसका कितना परसेंट हमें मिलेगा, इसका कितना बोनस मिलेगा, इस बारे में बिल्कुल बताया नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल देखते रहिएगा, जब भी आने वाले टाइम में अपडेट्स आएंगी काफी सारी तो हमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक लाइफ टाइम जर्नी है ऑन पैसिव, इसमें आगे क्या किस टाइप से पे स्ट्रक्चर आता है वो डिपेंड करेगा कि यहां पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे जब हमारे यहां पर सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी या हो रही है कहीं ना कहीं, तो हमारा जब यहां पर यूजर्स आएंगे और यहां पर ट्रैफिक हमारा जनरेट होगा, आपको उसके हिसाब से पे स्ट्रक्चर के हिसाब से यूजर से कितना बेनिफिट होना है, कितना परसेंट मिलना है, वो डिपेंड करेगा। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू।